अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका मिड टर्म बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज हम लेक्चर नंबर 23 देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे डी नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, डी नॉर्मलाइजेशन क्या है? आपने लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मलाइजेशन पर बात की है, तो ये उसका अपोजिट है। अब हम इसकी जब डेफिनेशन पर बात करते हैं तो इसका जो कंसेप्ट ये है कि आप हायर से लोअर नॉर्मल फॉर्म्स में मूव करते हैं। डी नॉर्मलाइजेशन आप हायर से लोअर नॉर्मल फॉर्म्स में मूव कर रहे हैं, जबकि नॉर्मलाइजेशन में क्या था, वो अपोजिट था, वो आप लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों आपस में अपोजिट कंसेप्ट है। अब डी नॉर्मलाइजेशन आपके डाटाबेस को कैसे इम्प्रूव करती है, कैसे एफिशिएंसी लाती है, ये हम आज देखते हैं। ठीक है, तो सिंपल जब आपने इसका कंसेप्ट लेना है तो डी नॉर्मलाइजेशन आपके पास हायर से लोअर नॉर्मल फॉर्म की तरफ आप जाते हैं। तो पर्पज इसका दोनों का हमारे पास सेम है, नॉर्मलाइजेशन का मकसद भी एफिशिएंसी है और डी नॉर्मलाइजेशन का मकसद भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। अब हम इसकी सिचुएशंस देखते हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास एक फर्स्ट सिचुएशन गिवन है, इसमें ये बात कर रहा है कि मर्ज टू एंटिटी टाइप्स इनटू वन विद वन टू वन रिलेशनशिप। आपके पास दो एंटिटी टाइप्स हैं, आप उनको वन टू वन रिलेशनशिप से मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अगली बात करता है कि अगर दो में से एक एंटिटी टाइप ऑप्शनल है तो आप दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो वेस्टेज ऑफ स्टोरेज होगा। ठीक है, अब ये इसकी एग्जाम्पल क्या है, और अगर दोनों अगर अगर ऑप्शनल नहीं है, दोनों एंटिटी टाइप्स नेसेसरी हैं, तो फिर आपको दोनों को मर्ज करना चाहिए, फिर आपको दोनों पे ज्वाइन कोऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अब ये बात कर रहा है यहाँ पे इवन इफ वन ऑफ द एंटिटी टाइप इज ऑप्शनल। तो ऑप्शनल रिलेशनशिप क्या है, मैं आपको इसके लिए यहाँ पे हम लेके जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें ऑप्शनल रिलेशनशिप की यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स गिवन है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो स्टाफ है, ठीक है, वो जो स्टाफ है उसके अंदर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हों, और ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें जो जो स्टाफ है उनकी शादी ना हो। तो ये एक ऑप्शनल रिलेशनशिप है कि आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप उसको डिफाइन करते हैं, आप मैरिड रिलेशनशिप को या नहीं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शनल रिलेशनशिप है कि एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास इधर ऑप्शनल रिलेशनशिप की ये आ रही है कि एक एम्प्लॉय, ये देखें एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी ये हो सकता है कि एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करें, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड ना करें या ट्रेनिंग सेमिनार आपके पास कंडक्ट ना हो। तो ये दो आपके पास ऑप्शनल रिलेशनशिप की एग्जाम्पल्स हैं। होपफुली आपको ऑप्शनल रिलेशनशिप का कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर पे। ठीक है, अब ये हमने एक सिचुएशन देख ली जिसमें दो एंटिटी टाइप्स थी हमारे पास और वन टू वन रिलेशनशिप था। ये होगी हमारे पास सिचुएशन वन, इसमें अगर तो ऑप्शनल है तो फिर आपने ज्वाइन आप ज्वाइन ना करें, ये आपके लिए बेटर है। अगर दोनों एंटिटी टाइप्स नेसेसरी हैं तो फिर आपको ज्वाइन ऑपरेशन करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं सिचुएशन टू पर। ठीक है, अब सिचुएशन टू क्या है, मैनी टू मैनी बाइनरी रिलेशनशिप्स मैप्ड टू थ्री रिलेशंस। ठीक है, अब आप इसको जो इसकी भी डेफिनेशन देख लें ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और इसकी भी आप सिचुएशन वन की एग्जांपल आप जो फर्स्ट डेफिनेशन है फर्स्ट लाइन है ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो सकती है, ये भी आप देख लें। तो सिचुएशन टू में मैनी टू मैनी बाइनरी रिलेशनशिप्स हैं और तीन रिलेशन आपके पास डिवेलप हो रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल क्या है, देखें एक स्टूडेंट और कोर्स का रिलेशन की जब हम बात करते हैं, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल हो सकता है और एक कोर्स के अंदर बहुत सारे यानी एक कोर्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं।
इस तरह ये एक मैनी टू मैनी रिलेशन की एग्जांपल है। तो अब हमारे पास इस केस में क्या तीन रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, एक आपके पास स्टूडेंट का, एक कोर्स का और एक एनरोल का, तीन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है तीन रिलेशंस है, स्टूडेंट, कोर्स और एनरोल। अब अगर हम इन तीनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक बात याद रखें कि ज्वाइन का जो ऑपरेशन है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, वो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। तो अब तीन रिलेशंस को आपस में ज्वाइन करना और दो को ज्वाइन करना, तो आपको क्या लगता है किसमें से कौन सा इजी होगा? जाहिर सी बात है, जब आप दो रिलेशंस को, दो एंटिटी टाइप्स को ज्वाइन करेंगे तो वो एज कंपेयर टू थ्री ज्यादा बेटर है। तो अब हमारे लिए क्या फिजिबल है कि हम जो एनरोल का हमारे पास रिलेशन है इसको हम या तो कोर्स के साथ ज्वाइन कर दें या हम स्टूडेंट के साथ कर दें। इस एनरोल की मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, ये जो थर्ड रिलेशन डेवलप हो रहा है एनरोल का, इसको मैं या तो स्टूडेंट के साथ ज्वाइन कर दूं या मैं कोर्स के साथ ज्वाइन कर दूं। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास दो रिलेशंस डेवलप हो जाएंगे। तो ये आपके पास, फिर इस तरह आपके पास परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिचुएशन टू की एग्जांपल है। अब इस तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पे एम्प्लॉयज की, प्रोजेक्ट की और वर्क की। अब देखें, जो प्रोजेक्ट है उसका एम्प्लॉय के साथ भी रिलेशन बनता है और वर्क के साथ भी रिलेशन बनता है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में कौन सा काम हो रहा है और एक प्रोजेक्ट की, ये आप आगे इनकी देख रहे हैं। तो अब इन तीनों को आपस में ज्वाइन करने की बजाय हम ऐसा करते हैं, प्रोजेक्ट को या तो हम एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन कर लेंगे या हम प्रोजेक्ट को हम वर्क के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देर इज अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन बिटवीन एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट विद द रिलेशनशिप ऑफ वर्क। ठीक है, सो नाउ इफ वी बाय डी नॉर्मलाइजिंग दीज रिलेशंस एंड मर्ज द वर्क रिलेशन विद प्रोजेक्ट रिलेशन। ठीक है, यानी आपने जो है वर्क को और प्रोजेक्ट को आपने मर्ज कर दिया है, तो ये स्मॉलर आपके पास रिलेशन डेवलप हो गया है। ठीक है, लेकिन इस केस में आपको ड्रॉबैक क्या है? इस केस में ड्रॉबैक आपके पास ये है कि ये 2NF को वायलेट कर रहा है, ये आपके पास 2NF को वायलेट कर रहा है। तो हम इसके टॉपिक के लास्ट पे थोड़ी बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स पे, डीनॉर्मलाइजेशन के, कि आपको क्या चूज करना है। तो ये देखें, तीन रिलेशंस हैं, आपने इन तीनों में से आपने दो को आपस में ज्वाइन कर देना है, तो ये एक आपके पास स्मॉलर आ जाएगा, स्मॉलर, कंपैरेटिवली स्मॉलर रिलेशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सिचुएशन नंबर थ्री पर। ठीक है, अब ये इसमें क्या है कि इसमें आप फॉरेन की को यूज नहीं करते, आप रेफरेंस डाटा को यूज करते हैं और जो रेफरेंस डाटा है वो आपके पास एंटिटी टाइप के साथ ज्वाइन हो जाता है, अपेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने सिचुएशन थ्री का, आपने ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको आ सकता है। इसमें आप क्या यूज करते हैं, वन टू वन मेनी सिचुएशंस व्हेन द एंटिटी टाइप ऑन वन साइड डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी अदर रिलेशनशिप देन मेनी साइड इट इज अपेंडेड विद रेफरेंस डेटा रेदर देन द फॉरेन की। तो आप एंटिटी टाइप को रेफरेंस डेटा के साथ अपेंड कर देते हैं और फॉरेन की यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये आपके पास सिचुएशन नंबर थ्री आ जाती है। तो यहां मैं एक बात करूं कि देखिए, अब ये डीनॉर्मलाइजेशन का आज एक न्यू टॉपिक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये लेक्चर शॉर्ट बने, लेकिन अगर ये थोड़ा लॉन्ग भी हो जाता है तो आप जी लेक्चर कंप्लीट देखें। इसका फायदा ये होगा कि आपको जो नेक्स्ट आगे लेक्चर्स आ रहे हैं इसी से रिलेटेड, वो आपको समझने में आसानी होगी। अगर यहाँ पे आप अच्छी तरह इस डीनॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, फिर आपको अगले लेक्चर्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये थोड़ा लेक्चर लॉन्ग चला जाता है तो फिर भी आप इस लेक्चर को कंप्लीट देख लें ताकि आपको आगे आसानी हो। तो अब हम ये सिचुएशन नंबर थ्री पे हमने बात की कि इसमें आप रेफरेंस डाटा को यूज करते हैं और फॉरेन की को आप यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिचुएशन नंबर थ्री की एग्जाम्पल है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं कि देखें, आपने सिचुएशन को एनालाइज करना है और फिर आपने डी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करनी है। ठीक है,
अब कैसे, अब आपके पास तीन चीजें हैं, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी, ठीक है। अब आपको ये बात कर रहा है कि प्रेफर, ये बात मैंने खुद अपने से यहाँ पे नोट की है कि आपने कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को एफिशिएंसी पे प्रेफरेंस देनी है। ये नहीं कि आपके पास एक्यूरेसी नहीं है और एफिशिएंसी है तो उस एफिशिएंसी का फायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो डेटाबेस है वो एक्यूरेट ही नहीं है। तो एक्यूरेसी इज मच इम्पोर्टेंट देन एफिशिएंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी आर मोर इम्पोर्टेंट देन एफिशिएंसी, तो ये बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब अगला जो ये मैंने सेंटेंस लिखा है, इसका ये है कि डीनॉर्मलाइजेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, जिस तरह ऊपर के केस में 2NF वायलेट कर रहा था। तो आपने ये चूज करना है कि मैं डीनॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर रहा हूँ, क्या डीनॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा है और नुकसान कम है, या नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है। तो आपने सिचुएशन को देख के अप्लाई करके आपको आउटपुट को देखना है कि इसका इसका फायदा, या आपको सिंपल सी बात है, अगर डीनॉर्मलाइजेशन से एडवांटेज ज्यादा हो रहा है तो फिर आप डीनॉर्मलाइजेशन अप्लाई करें, अदरवाइज अगर डीनॉर्मलाइजेशन का ड्रॉबैक ज्यादा है तो आप फिर उसको अवॉइड करेंगे, फिर आप नॉर्मलाइजेशन तक रहेंगे। तो एक और बात, मीन्स डीनॉर्मलाइजेशन भी एक आपके पास ऑप्शन है, इट इज नॉट नेसेसरी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डीनॉर्मलाइजेशन नेसेसरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। फिर जिस तरह नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल की बात की थी कि नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म थी, सेकंड थी, थर्ड थी, फोर्थ थी, आप जहां तक आपका पर्पस कंप्लीट हो जाए आप वहां पे रुक जाए, आप अगली फॉर्म पे मूव ना करें, ठीक है। तो यहां पे भी आपने ऑप्शंस देखने हैं, जहां पे आपका पर्पस कंप्लीट हो रहा है आपने वहां पे रुक जाना है। सो ये कंसेप्ट था आपके पास डीनॉर्मलाइजेशन का। अब हम बात करते हैं पार्टीशनिंग पे। अब ये डीनॉर्मलाइजेशन के अपोजिट है, ठीक है। डीनॉर्मलाइजेशन पे आप मर्जिंग कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, दो डिफरेंट रिलेशंस को मर्ज कर रहे हैं, जबकि पार्टीशनिंग में आप जो दो रिलेशंस हैं उनको आप स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये पार्टीशनल कैसे होती है, अब इसमें आगे टाइप्स है, हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग होगी, ये आपके पास रोज की बेसिस पे होती है, ठीक है। वर्टिकल पार्टीशनल होगी, वो आपके पास कॉलम्स की बेसिस पे होगी। अब आपके पास क्या है हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग में, कि आप एक लार्ज टेबल है, मींस आपके पास 100 एंटिटीज है, 100 आपके पास एंट्रीज है, आप उनको 50-50 करके दो आप पार्टीशंस बना लेते हैं, या 1000 आपके पास एंट्रीज है, आप 500-500 की आप दो टेबल्स बना देते हैं, आप उसको रो वाइज आप स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग होगी। अब इसका फायदा क्या है, ठीक है, मींस आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए बेहतर है, ऑथोराइजेशन के लिए बेहतर है, इसमें आपको बैकअप मिलता है, ठीक है। तो अब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आप आपके पास एंट्रीज है, मींस 100 है, तो आप एक अगर एक यूजर को आप 50 एंट्रीज तक एक्सेस देना चाहते हैं तो आप वो 50 एंट्रीज की आप अलग पार्टीशन बना लेंगे, ठीक है। और इसी तरह आपके पास, सॉरी, इस तरह आपके पास सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है। और अगर आपके पास बैकअप है तो स्मॉल टेबल्स को का जो है, अगर मींस फेलियर होता है तो स्मॉल टेबल्स का लॉस लार्ज टेबल्स की निस्बत आप उसको कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके पास पार्टीशनिंग के लिए आपके पास एडवांटेजेस है, बैकअप्स, ठीक है। तो आपको स्मॉल टेबल्स का आसानी से आपको बैकअप मिल सकता है। इस तरह आप हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग को आप रो वाइज आप पार्टीशनिंग उनकी कर सकते हैं। अब ये क्या रेंज पार्टीशनिंग, ठीक है। अब रेंज क्या है कि अब ये देखिए एग्जांपल है यहाँ पे कि आपने उन स्टूडेंट्स की आईडी या रोल नंबर 1 से 1000 तक आपने पार्टीशन 1 में आप उनको प्लेस करेंगे, इस तरह 1000 से 2000 तक आप सेकंड पार्टीशनिंग में आप जो है प्लेस करेंगे। तो आप इसमें एक रेंज डिफाइन कर देते हैं रेंज पार्टीशनिंग के अंदर, ठीक है, कि आपकी कौन सी रेंज है, 1 to 10, 10 to 50, 1 to 50,000, ठीक है, 50,000 to 1 लाख,
वो आपके पास आईडीज की बेस पे आप एक रेंज वहां पे आप डेवलप, आप रेंज डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रेंज पार्टीशनिंग आ गई। हैश पार्टीशनिंग के क्या यूज होता है, हैश में आपके पास एल्गोरिथम यूज होते हैं, डीबीएमएस इटसेल्फ एल्गोरिथम अप्लाई करता है और उस बेस पे पार्टीशनिंग करता है उसके रिजल्ट की बेस पे, आउटपुट की बेस पे, ठीक है। और सेकंड में क्या पास है, सेकंड क्या है कि बैलेंसिंग भी करता है, अनबैलेंस्ड मींस एक में आपके पास एक पार्टीशन में एंट्री ज्यादा है, दूसरे पे कम है, तीसरे में ज्यादा है। तो हैश पार्टीशनिंग में पहली बात एल्गोरिथम अप्लाई हो रहा है, डीबीएमएस इटसेल्फ, ठीक है, डीबीएमएस इटसेल्फ अप्लाइज द एल्गोरिथम and places the record in different partitions on the basis of result of that algorithm. पहली बात हैश में DBMS algorithm apply कर रहा है और दूसरी बात DBMS उन्हीं partitions को balance भी कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास हैश partitioning आ गई। लिस्ट में आपके पास क्या है कि आप values के base पे आप partitions करते हैं, मीन्स आप ब्लू कार की अलग पार्टीशन बना देंगे, एग्जाम्पल है व्हीकल्स की, अगर आप एक डेटाबेस बना रहे हैं, रेड कार का आप एक अलग पार्टीशन बना लेंगे जिसमें रेड कार की सारी डिटेल्स होंगी। इस तरह वाइट कार की आप एक अलग पार्टीशन बना सकते हैं जिसमें वाइट कार्स की सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या, आप ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज कर आप पार्टीशनिंग करते हैं। तो ये थी आपके पास पार्टीशनिंग की टाइप्स। अब आगे इसकी समरी है, समरी को आप खुद देख लें, वही बातें रिपीट हो रही हैं जो हम ऊपर कर चुके हैं। सो ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेक्चर नंबर 24, और इसमें हम वर्टिकल पार्टीशनिंग को हम और एसक्यूएल पे या रेप्लिकेशन पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरा आने वाला हर लेक्चर मिले, और इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और वो होगा हमारा लेक्चर नंबर 24 और वो होगा हमारा वर्टिकल पार्टीशनिंग पर। तब तक आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।